हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू प्रेंदे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैंने डिसाइड किया थोड़ा दुकान की क्लीनिंग की जाए और कुछ चीज़ें चेंज की जाए, क्योंकि अब बच्चों की स्कूल भी खुल गई है और मेरा छोटा बेटा है वो मेरे साथ दुकान में ही आता है। तो अभी छुट्टियाँ पड़ी थी तो तब नहीं आता था, बट अब कंटिन्यू अब आता है। तो नीचे जितने भी नेल पेंट्स वगैरह रखते हैं, जैसे ऐसी चीज़ें मतलब जो टूटने फूटने का रहता है तो वो नीचे गिरा देता है, तो इनको जरा जो होच पोच हो रखा उसको जरा ठीक करते हैं। तो फ्रेंड, आज की बोनी हो गई है सुबह की, तो जो मैंने यहाँ पे अपना हॉच पॉच भी कर रखा है, साथ साथ दुकान की क्लीनिंग भी कर रही हूँ और बोनी भी हो गई है। कुछ स्टार्टिंग में श्रृंगार का सामान गया, यहाँ कथा वगैरह चल रही है तो उसमें श्रृंगार का सामान जा रहा है। और सो फ्रेंड, ये कर रही हूँ मैं फटाफट सफाई। इसमें तो मैंने स्पीड कर रखा है बट मेरे को बहुत घंटे लगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा, और मैं इतनी थक भी चुकी थी ना, तो क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरी डीप सफाई करना और फिर कस्टमर को हैंडल भी करना, तो दोनों बहुत टास्क की बात है। तो फिर भी मैंने किया गाइस, मैं दिखाती हूँ, मैंने आज आपको डीपली सफाई की है, थोड़ा कैसे, इसके भी की है, तामझाम निकाल दिए हैं। और अब आप देख लीजिए चेंजेस हो गया, कपड़ों को ऊपर कर दिया शिफ्ट और बच्चों के भी कपड़े ऊपर कर दिया शिफ्ट, क्योंकि अब मेरा छोटा बेबी आता है ना, तो यहाँ से जितने भी टूट फूट वाली नीचे टूट फूट वाली चीज़ें होती ना, सब मैंने हटा दी ताकि कुछ टूटे ना, और ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऊपर रख दी। तो अब हो गई है मेरी क्लीन सफाई, मंदिर भी शिफ्ट करके मैंने यहाँ रख दिया। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 8 और आज मैं सुबह 10 बजे से लगी हूँ दुकान की सफाई करने में। आज पूरा एक दिन निकल गया सफाई, और गाइज मैं इतना थक चुकी हूँ ना, मुझे बहुत थकान लग रही है आज, क्योंकि आप सोच सकते 10 बजे से और अभी बज गए 8 रात के, इतनी थकान लग गई है कि अब सीधा घर जाऊँगी। सो फ्रेंड, थक के घर पहुँची तो भाई मेरा निकल गया था पिज़्ज़ा लेने और बर्गर लेने, तो हमने कुछ इंजॉय किया, खाली पेट को थोड़ा राहत मिला और हम ये खा रहे हैं बर्गर का स्वाद लेते हुए। मेरा बच्चा भी इंजॉय कर रहा है, पीछे मेरा भाई बैठा है और यहाँ पे खूब हमने मज़े किए। तो 9:30 बज चुका था, तो थोड़ा बहुत रात के टाइम तो खाना ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत रोटी वोटी बनाई तो हमने किए फुल इंजॉय। और चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।